हेलो बॉयज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत होंगे। आज हम जा रहे हैं एक फ़ोटो वॉक पे और काफ़ी टाइम बाद ये फ़ोटो वॉक आई है। तो फ़ोटो वॉक होती क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, उसके बाद हम जाएंगे और सीन आपको दिखाएंगे, आगे इंजॉय आप ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये होता क्या है। बेसिकली यहाँ पे फ़ोटो वॉक में ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़र्स आते हैं एंड वीडियोग्राफ़र्स, जिसमें सीनियर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इनमें ये होता है कि बिगनर्स को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। 2013 से मैं जा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें टैमरॉन भी था, कैनन भी था, नाइकन भी था और सिग्मा। अब ये सिग्मा का आया, सिग्मा में मैं जा रहा हूँ और सोनी का भी बहुत ज़बरदस्त सीन रहता है। तो इंशाल्लाह ये मैं कभी भी मिस नहीं करता। और यहाँ पे अगर आप नया कैमरा ख़रीदा हुआ है तो आप लेके जाएं और सीखें चलाना कैसे, सब कुछ पता लगेगा आपको। मैंने कोई यूट्यूब से नहीं सीखा, मैंने कोई से कोई कोर्स के पैसे दे के नहीं ख़रीदा, मतलब सीखा, ठीक है। तो यही चीज़ है, यहाँ से सीखने को मिलती है। तो वहाँ पे जाके आपको लर्निंग का पता लगता है, कैमरे के शटर क्या चीज़ है, ISO क्या चीज़ है, फिर इसके बाद ये एफ स्टॉप क्या चीज़ है, ये सारा कुछ, लेंस कौन सा अच्छा रहेगा किस चीज़ के, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ के फोटोग्राफर्स आए होते हैं, उनके पास डिफरेंट कैमराज एंड लेंसेज होते हैं, तो उसमें आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ये ज्वाइन की हुई है। और ये दूसरा एक बड़ा फ़ायदा होता है, वहाँ पर दोस्त काफ़ी बनते हैं, और आज भी मेरे दोस्त आएंगे इंशाल्लाह, देखते हैं क्या सीन है और मज़ा आने वाला है। मुझे तो इनवाइट किया है कराची कैमरा सेंटर प्लस सिग्मा ने, दोनों ने, तो इंशाल्लाह जाएंगे, मज़ा आएगा, साथ रहिएगा, एंजॉय कीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत होंगे। आज हम आए हैं बड़ी ज़बरदस्त जगह पे, बेसिकली सिग्मा फ़ोटो वॉक है, जो कि मैंने आपको पहले नोटिफिकेशन दिया था। आज हम उधर आए हैं, देखते हैं क्या सीन है और मज़ा आने वाला है। बर्ड एरिया के अंदर हैं, बिल्कुल मतलब कि नेक्स्ट लेवल, यहाँ पर परिंदे होंगे, फोटोग्राफी करेंगे, वीडियो करेंगे, साथ रहिएगा। ये देखो बॉयज, 2009 में जब हम छोटे छोटे होते थे फोटोग्राफर, एक हाजिक मेरा दोस्त था, हाजिक नहीं जारिक, जारिक यार, हाजिक निकलाता है और प्लस फैसल, और ये दोनों काफी पुराने फोटोग्राफर रहे हैं। कौन सा कैमरा लेके आए यार? सोनी 7 मार्क। अच्छा, कार्ड ही लेके आया, शाबाश है तेरे। ये देखे जी, यहाँ पे फुल टाइम सीन ऑन है, अभी सिग्मा की फुल यहाँ पे हो रही है, लर्निंग हो रही है, जो भी आपको सीखना है यहाँ को, सीखने को आपको बहुत कुछ मिलता है। और फोटोग्राफर आए हुए हैं नए नए कैमरे लेकर, ठीक है जी, सबके पास तोपें खड़ी पड़ी हुई हैं। ये देखें जी, आज तो बड़े फेमस यूट्यूबर भी आए हैं, डक्की भाई। डक्की भाई किधर जा रहे हैं जी? डक्की भाई इधर देखे ना, अच्छा नहीं देखना, ओके ओके ओके। जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, फैमिली के लिए तो मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल है। और जबकि आप परिंदे चेक करें, माशाल्लाह मोर देखें, वेरी नाइस, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इस साइड भी आइए, देखें जी, ओह नाइस, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आपको पहले मैं गाइड कर दूँ, सिग्मा है क्या चीज़। सिग्मा एक लेंस कंपनी है, ठीक है, जिसमें कि मेरे पास कैमरा है, इसके आगे सिग्मा का लेंस लगा हुआ है और इसी से मैं फोटोग्राफी एंड वीडियो करता हूँ। अभी उसी की एक ग्रुप फ़ोटो लेने लगे हैं, जिसमें कि देख सकते हैं अभी सारा ग्रुप यहाँ पे सेटिंग कर रहा है और ये लिखा हुआ सिग्मा। फिर भाई क्या क्या है गिफ्ट में? गिफ्ट में बहुत कुछ है, इतना कुछ है। मैं समझो उछालने लगे हैं, कोई बात नहीं। उमर वकास, उमर वकास, उमर वकास कौन है? नहीं है, अगर नहीं आया नहीं दे दो मसल, एक बॉडी एक में लेंस, एक ये क्या 85 में 1.4 निकला है इस कैमरे में, देखिए वो निकला है। ये तो लेवर माइक निकला है मेरे ख्याल से, सिंको, वो सिंको का बहुत अच्छा निकला है, तार वाला माइक मेरे ऐसे हैं और भी निकला है। वो सीन ऑन है ब्रो, जबरदस्त, को खाओ आप लेंगे, लो बिस्मिल्लाह करो। तो भाई मूव ना करें आप। सोए भाई
फिर आई एम बचपन की याद ताज़ा होगी यार। बचपन कहने का मकसद ये है कि जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था और काफ़ी डिफ़िकल्ट था ये, मतलब कि घर वाले भी कहते थे कि कैमरा खरीद के तुम गले में लटका के बाहर फिरते रहते हो, लेकिन उनको नहीं पता था आज अल्लाह ताला ने किधर पहुँचा दिया हमें। माशाल्लाह ये भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं, ठीक है, और ज़ारे के सिनेमाटोग्राफर, आपका भाई भी सिनेमाटोग्राफी में काफ़ी गेम उठा चुका है फोटोग्राफी में भी, और वो तो आप लोग देखते ही हैं, अगर आप लोग ही बताएंगे तो तभी पता लगेगा कि हाँ भी हम कितने पानी के अंदर हैं। और सीन तो चलता ही रहेगा, अभी आगे देखते हैं क्या सीन है, क्योंकि अभी छाँव भी होने वाली है और मैंने अभी तक एक क्लिक भी नहीं लिया, ठीक है ना। एक इन्होंने कोई प्राइजेस रखे हैं कि आप अच्छी फोटोग्राफी वीडियो करेंगे तो आपको प्राइजेस मिलेंगे, तो अभी मैंने कुछ भी डाटा कलेक्ट नहीं किया, अभी सिर्फ मैं ब्लॉगिंग ही कर रहा हूँ। यार जगह चेक करो कितनी कोई नेक्स्ट लेवल है, ये चेक करो हमारे पास जूम लेंस ही नहीं है यार। कौन कौन से ले? अच्छा आपके पास 70-200 है, 70-200 और वो वाला 70-200 है। ओहो भाई यार कोई इम्पोर्टेंट ही ले लो कोई, यार बेशक शादी होगी हमारी लेकिन अभी भी हम जवान हैं। ये देखो बॉयज़, हमने अभी हमने शूट करवाया, क्या नेक्स्ट लेवल फ़ोटो आई है। ओहो इंस्टाग्राम पर इंशाल्लाह चढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेवल यार। बूट देखो कितने गंदे हो गए बारिश की वजह से। और आगे जाने लोकेशन चेक करो बॉयज, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। इधर ठीक रहेगी, इधर इधर ना पोर्ट्रेट्स लेते हैं, मज़ा आएगा। हाँ अच्छे आएंगे, नाइस। तो बॉयज़ जैसे कि अभी आपने देखा, मैंने आपको थोड़ा सा सीन दिखाया कि गैदरिंग कैसी होती है, और वहाँ पे कुछ मैं ज़्यादा बना नहीं पाया, और बाकी मेरे साथ जो दोस्त वगैरह थे उन्होंने शॉट्स वगैरह लिए, वो आपने देखे कि कैसे वहाँ पे, ये था बेसिकली बर्ड फोटोग्राफी का, और इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फिलहाल मैंने काफ़ी चीज़ें ये लर्निंग की है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में। मैंने जब पहला कैमरा लिया था ना, तो पहले मुझे सब ने मतलब डीप मोटिवेट ही किया था कि भाई तुम अब टाइम ज़ाया ही करोगे, लेकिन मुझे पता था मैंने कैसे चलना है, और मैंने बेसिकली अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ही ये कैमरा बाय किया था। मुझे नहीं पता था कि आज मैंने किधर पहुंच जाना है, मुझे इस चीज़ का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मैंने इस पे मेहनत की और आज आपके सामने है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मज़ा काफ़ी ज़्यादा आया, सीखने को काफ़ी कुछ मिला। थैंक्स कराची कैमरा सेंटर एंड सिग्मा पाकिस्तान, जिन्होंने ये मिल के कोलैब करके एक फ़ोटो वॉक ऑर्गेनाइज़ की, बहुत मज़ा आया वहाँ पे। और मैं ज़्यादा दोस्तों से नहीं मिला पाया, सब फोटोग्राफी में बिज़ी थे, नहीं तो मैं आपको ज़रूर व्लॉग में ले जाता और आपको दिखाता कि किस किस के पास कौन कौन से कैमरे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो चुकी है। अभी मैंने 3 साल से अभी मैंने रखा हुआ है मिररलेस, और ये मिररलेस जिस टाइम लॉन्च हुआ था ना पाकिस्तान में, मतलब कि हाइप बन गई थी, तभी मैंने ख़रीद लिया था। मैंने कहा हाँ भाई यही फ्यूचर है, अभी इस पर शिफ्ट कर देना चाहिए। तो ये कैमरा अब आपके सामने है, मैंने सिग्मा के लेंसेज यूज़ करना शुरू कर दिए, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ मैं। अभी जो मैंने लेटेस्ट लिया है ये 1850 f2.8 है, जो इस पर अभी वीडियो बन रही है, 30 mm पे मैंने किया हुआ है, आप इसका व्यू देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा और शार्प ज़बरदस्त है। तो मुझे तो ओवरऑल ये ब्रांड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं, इंशाल्लाह हम आगे अनबॉक्सिंग भी लेकर आ रहे हैं सोनी के कैमरास की, प्लस मिररलेस जो भी आ रहे हैं, जो आपको ब्रांड पसंद है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी जज़ाकअल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।